सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि मैंने प्रियाज ब्यूटी जोन के पियादी का इंस्पायर्ड मेकअप लुक बनाए हैं, ये फॉक्सी मेकअप लुक। तो कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप ये वाला मेकअप लुक बनाए हैं, मैंने जस्ट ट्राई किया है कि उनकी तरह मेकअप करूँ, कि उनकी तरह कुछ मेंटेन करूँ, जैसे हेयर स्टाइल, आई मेकअप मैंने मेंटेन किया है, थोड़ा सा लिपस्टिक भी मेंटेन किया है, थोड़ा सा ड्रेस का कलर भी मेंटेन किया है, थोड़ा सा सीटीएम भी मेंटेन किया है। तो कुछ कुछ मैं उनकी तरह मेंटेन करते हुए मैंने कोशिश किया कि फॉक्सी मेकअप लुक उनकी तरह बना सकूं। तो मैंने ये लुक बनाया है फाइनली। तो देखो कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप ये वाला लुक किया है। पहले मैं करूंगी सीटीएम, सी तो मैंने कर लिया है। अभी मैं टोनर यूज कर रही हूँ, ये मेरे ड्रेस के साथ मैच किया हुआ है अब्स गुडनेस का टर्मरिक टोनर, प्रियादी ने भी यही किया था। अभी मैं यूज कर रही हूँ एनवाई बे का स्किन फिडेंट रेंज का सीरम, बहुत अच्छा वाला सीरम है विद सैलिसैलिक एसिड। और मैं मेकअप से पहले यही वाला करती हूँ, बट प्रियादी ने ये नहीं किया था। मुझे ये सीरम ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, मसाज करने के बाद फेस का टेक्सचर देखो बहुत सुंदर हो जाते हैं और स्किन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटेक का लिप बम, लिप व्हाइटनिंग टिंटेड लिप बम, लिप हाइड्रेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं मामा अर्थ का ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्किन तो ऑयली है, वैसे भी बहुत गंदा वाला ये गर्मी है ना, तो ऑयल थोड़ा सा कंट्रोल में रहना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वाला ऑयल कंट्रोल क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो अपना मेकअप सेट भी रहता है और अच्छा भी रहता है। नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ प्रिप, तो प्रिप करने के लिए मैं यहाँ पे एनवाई बे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसके बारे में तो मैंने डिटेल वीडियो बना ही दिया है, और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जो ओपन पोर्स के ऊपर और ऑयली स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। देखो कितने अच्छे से ब्लर आउट हो जाते हैं ना पोर्स, वैसे भी पोर्स दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी एकदम ब्लर आउट हो जाते हैं। तो मैं इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, आईज पे भी दे रही हूँ, क्योंकि आई प्राइमर भी ज़रूरत होती है, तो उसी का काम हो जाता है इससे। अभी 2 मिनट रखूँगी, फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे एज रिवाइंड वाला कंसीलर फ्रॉम मेबलिन। नहीं खुल रहा था एक्चुअली, हाथ बहुत ऑयली हो गया है ना। देखो मैं अंडर आई में इसको यूज़ करूँगी, मैं ना ज़्यादा यूज़ करूँगी आज, क्योंकि ना मुझे लगता है कि ये कंसीलर वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करने से ना आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट होता है। तो मेरे गले पे ना थोड़ा सा पिंपल का स्पॉट हुआ था, पता नहीं गर्मी में मुझे गले पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हो जाते हैं, पिंपल भी होते हैं ना इसीलिए। तो देखो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे फाउंडेशन ज़्यादा ना लगे और अच्छे से फाउंडेशन सेट भी हो जाए। तो जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग पॉइंट्स है तो मैं वहाँ पे ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, इसका एप्लीकेटर इतना अच्छा है ना। तो ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, और ये मैं ब्रश की मदद से एकदम डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे। ये अगर आप ब्रश से डॉट डॉट करके अप्लाई करोगे ना फाउंडेशन, तो आपका फाउंडेशन अच्छे से स्प्रेड होगा और मज़ा भी आएगा। देखो कितना सुंदर से चारों तरफ मेरा ना हेयर आ रहा था सामने, चारों तरफ अच्छी तरह से इवेंली और इक्वली लग जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये वाला प्रोसेस कि आप ब्रश से अप्लाई करो। ब्रश से ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ठीक से ब्लेंड करना नहीं आता है तो, बट आप अप्लाई तो ज़रूर कर सकते हो। अभी मैं कलर बार का डैम स्पंज यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। देखो मैंने सीटीएम जो किया था ना, उसका इफेक्ट देखो कितना इवेनली ये ब्लेंड हो रहा है। एक बार ऐसे डैब डैब करने से वन जगह पे देखो इवेनली ब्लेंड हो रहा है, कहीं पर भी ऐसे स्टिक किया हुआ नहीं है जो मैंने अप्लाई किया है जो जो चीज़ें। यही फ़ायदा होता है कि अच्छी तरह से स्किन केयर करके सीटीएम करके फिर मेकअप करना। और देखो मैंने जो कंसीलर पहले ज़्यादा करके अप्लाई किया था, फिर मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया, जैसे किया इसका फ़ायदा है ये देखो एकदम जैसे मेकअप आर्टिस्ट लुक करते हैं ना, ब्राइडल वाले जो मेकअप होते हैं वैसा वाला हो गया है ना। बट ये जो ज़्यादा वाइड लग रहा है ना, ये बाद में सेट हो जाता है, क्योंकि इतना कुछ देना पड़ता है। इसके बाद कंटूरिंग है, ब्लशिंग है, हाइलाइटिंग है, आई का मेकअप होगा। अपने गले को और अपने ईयर को ना मत भूलना, स्किप मत करना, ओके। देखो कितनी अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गया, लग रहा है कि ये मेरा अपना ही ये टेक्सचर है, मेरा अपना ही ये कम्प्लेक्शन है। और एक बात याद रखना कि हेयर लाइन पे भी करना, ओके। अभी मैं ये नया वाला मार्स पैलेट यूज़ कर रही हूँ, रिसेंटली मैंने शेयर किया है, तो यही वाला कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे फिंगर टिप से ही कर रही हूँ। देखो
इसको भी ब्लेंड करूंगी ना तो बहुत अच्छी तरह से ये कंटूर हो जाएगा। कंटूर कंसीलर सभी है इसमें, बट मैं सिर्फ यहाँ से कंटूर वाला ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कंसीलर तो मैंने यूज़ कर लिया है ऑलरेडी। और मैं अपने जॉ लाइंस पे भी करूँगी क्योंकि मुझे डबल चिन का तो प्रॉब्लम है, जिन लोगों का है वो ऐसे कर सकते हो, अपने फोरहेड में भी करूँगी। तो अभी मैं इसको फिर से कलर बार के जो मैंने ब्लैक डैम स्पंज लिया है वो वाले से मैं फिर से ब्लेंड करूंगी। ये भी इवेनली ब्लेंड हो जाएगा, देखो एकदम इवेनली ब्लेंड होता है, देखो एकदम दो तीन बार टैप टैप करने से ही ये ब्लेंड हो गया। अच्छा लग रहा है ना, एकदम फ्लॉलेस मेकअप लग रहा है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जो यहाँ पे सबसे ख़राब बात मुझे ये लगती है कि मेरा आईब्रोज का बहुत ज़्यादा ख़राब हाल है अभी, तो मुझे ना ये एकदम डर सा लगा हुआ होता है कि जब भी मैं करती हूँ मेरा मेकअप सारे कुछ सब कुछ ठीक है, बट मुझे यही डर लगता है कि इतना सुंदर आई मेकअप करूँगी पर मेरे आईब्रोज के हालत देखो। मार्च से मैं नहीं गई, फेब्रुअरी से मैं नहीं गई आईब्रोज कराने। अभी मैं मेबलिन के कॉम्पैक्ट पाउडर क्या ढूंढ रही थी, मैं शायद ब्रश ढूंढ रही थी, हाँ मिल गया, चलो वो मैंने पाउडर ब्रश लिया था ना ये, तो जो मैं बता रही थी पूरे फेस पे नहीं करूँगी, जहाँ पे मुझे स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है वहीं पे मैं सेट करूँगी, देखो ठीक है ये मैंने नया वाला सीखा है। तो जो मैं बता रही थी कि आईब्रोज, तो मैं 6 मंथ्स हो गया ऑलमोस्ट मैंने आईब्रोज नहीं किया है, तो अभी जाना भी नहीं है, पता नहीं कब जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि कुछ होम मशीन्स खरीदूँ जिससे मैं आईब्रोज कर सकूँ। अभी मैं स्पूली से आईब्रोज कॉम कर रही हूँ, अभी मैं फ़िलहाल कॉम करके रखूँगी, अभी फिल नहीं करूँगी, खाली बार बार मेरे हेयर्स आ रहे हैं सामने। हो गया अभी ये, इसका काम अभी मैं करूँगी, क्या करूँगी मेरा यू कैन बी पैलेट का यूज़ करूँगी। तो ये दो मैं ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, मेकअप बहुत ही इजी होगा। देखो मैं ये मैंगो येलो वाला शेड ले रही हूँ जो मेरा ब्लेंडिंग ब्रश एंगुलर वाला है उससे, ओके। तो मैं यहाँ पे पहले येलो शेड लूँगी, येलो शेड एकदम मेरे लीड पे क्रीज पे लगाऊंगी, डैप डैप करके लगाऊंगी, फिर मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी, ओके। इसके बाद मैं दूसरे शेड भी लेने वाली हूँ और मेरा फेवरेट शेड, जैसे कि ये है फॉक्सी आई मेकअप, तो यहाँ पे एक फॉक्स फॉक्स सा कलर लेना है, दूसरे मैं ब्रश ले रही हूँ ये है फॉक्स वाला कलर मैंने बनाया है ये फॉक्स वाला कलर, ओके। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर लेके ऊपर का जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, देखो कितने अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। प्रियादी ने ऐसे नहीं किया था बट कलर्स कुछ ऐसे ही थे, शेड्स कुछ ऐसे ही थे, मैंने सिमिलरली कुछ बनाने की कोशिश की है प्रियादी की तरह। मैं सच में उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ, और एक बात बता दूँ कि प्रियादी को मैं इतना पसंद क्यों करती हूँ, क्योंकि वो ना सबका रिप्लाई देते हैं, मैं जब भी उनको कमेंट करती हूँ ना वो मुझे हमेशा रिप्लाई देती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई कोई रिप्लाई नहीं देता है ना तो बुरा लगता है, पता है सबका ही टाइम नहीं होता है, शेड्यूल रहता है, इतना सारा कमेंट, बट प्रियादि ना रिप्लाई देती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं ये वाला ब्राउन शेड से ना एक क्रीज लाइन बनाऊंगी और इसको ब्लेंड करूंगी, हल्का सा बनाऊंगी और इसको ब्लेंड कर दूंगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड लगेगा। मुझे पता नहीं कि प्रोसेस ठीक है कि नहीं, मैं अपनी तरह से करती हूँ ना, अपनी मनमर्जी से करती हूँ, तो यही है, मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। हो गया, मैं अभी दूसरे आई को कर लेती हूँ, सेम टू सेम हो गया। अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ लोअर लैश लाइन पे ये वाला शेड, वो फॉक्स वाला शेड। तो इससे ना क्या होता है कि आपके आई को एक अच्छा सा 3D लुक मिलता है, एक डेफिनेशन मिलता है आपके आई को, और ये वाले प्रोसेस ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लोअर लैश लाइन पे जो ऐसे जो ऊपर आप डार्क शेड लगाते हो ना वही वाला लोअर लैश लाइन में लगा लेना, आईज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, ओके। मैं काजल भी अप्लाई करूंगी इसके बाद, अगर आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हो ना काजल भी अप्लाई नहीं करोगे फिर भी चलेगा, बट ये आपको करना ही है, ये मैंने नया वाला सीखा है यूट्यूब पे आने के बाद। तो अभी मैं फिलहाल अप्लाई करने वाली हूँ, फिर ढूंढ रही हूँ क्या, ओके ये ब्राउन शेड अप्लाई करने वाली हूँ बट कहाँ, ओके ओके ओके, मैं फील करने वाली हूँ अपना ब्रोज, मैं खुद ही भूल जाती हूँ क्योंकि वॉइस ओवर देने के टाइम याद नहीं रहता है किसके बाद मैंने क्या किया था। तो देखो मैं फील कर रही हूँ, आपको तो ऐसे पता नहीं चल रहा है कि मेरे ब्रोज के हालत क्या है, बिकॉज कैमरा में सब कुछ परफेक्ट ही लगता है हमेशा, तो देखो कितने अच्छी तरह से ये फील हो रहा है, बट सामने से ना एकदम जंगल बना हुआ है, पता नहीं है। और जब मैं करने जाऊंगी ना बहुत दिन बाद,
दर्द इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी 1 or 2 months में कराने का तो कोई भी प्रोग्राम नहीं है। फिर से मैं स्पूली कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 8 to 9 months हो जाएगा कि मैंने आईब्रोज नहीं कराए हैं। ओके, तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, ये है हाइलाइटर। देखो हाइलाइटर का हालत, मैं ब्रो ब्रोन्स पे करने वाली हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है और मेरा बहुत फेवरेट वाला है। बहुत सारे ख़त्म हो चुके हैं, आप तो देख ही सकते हो, एकदम अंदर से एकदम होल हो चुका है। दोनों ब्रो ब्रोन्स पे मैंने कर लिया है हाइलाइटिंग, तो मुझे ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हो गया ये। अभी मैं आइस के इनर कॉर्नर में भी कर रही हूँ सेम टू सेम हाइलाइटिंग। तो ये मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल से कुछ कर रही हूँ। अभी मैं कर रही हूँ आईलाइनर, और आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का स्पाई हाईटेक आईलाइनर, और इसका जो कर्वी शेप है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस साइड पे देखो मैं विंग्स बना रही हूँ, प्रियादी ने भी बनाया था विंग्स। तो फॉक्सी आई मेकअप का यही एक खासियत होती है और प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि विंग्स, क्योंकि फॉक्स के आई होते हैं ना थोड़ा सा एकदम विंग्स की तरह वैसा वाला। मैं दोनों ही बनाऊंगी ऐसे। मैं थोड़ा और चाह रही थी बट नहीं बन पा रहा था, पता नहीं क्यों। एक्चुअली मैं तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हूँ ना, तो इसी के वजह से प्रियादी को देख देख के सीख रही हूँ, और बहुत लोगों को मैं देख देख के सीख रही हूँ, तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है। उनको कमेंट करती हूँ तो कमेंट का रिप्लाई मिलता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसको यहाँ भी कर रही हूँ सेम टू सेम, मैं विंग्स बना रही हूँ। विंग्स मैं ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ, आपको तो पता है कि मेरा जो सिग्नेचर आई मेकअप है वहाँ पे विंग्स नहीं आते हैं, तो ये मैं फॉक्सी आई मेकअप है इसीलिए बना रही हूँ। तो चलो हो गया। अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मी का काजल, और ये है ब्लैक वाला काजल। ओके, इसका भी मैंने डेमो रिव्यू सब कुछ दिया है। देखो कितना ज़्यादा अच्छा सा हाइलाइटेड लग रहा है आई, ज़्यादा मैंने लगाया भी नहीं है काजल। तो काजल लगाने से ना आई को एक अलग सा डेफिनेशन मिलता है। तो मेरा ये सब हो गया, अभी मैं लगाने वाली हूँ माश्कारा। तो माश्कारा के लिए तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ये है ही मेबलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटर प्रूफ माश्कारा। तो मैंने ना कोशिश किया था कि मैं लैश लगाऊं बट नहीं हो पा रहा था, पता नहीं आज क्यों नहीं हो रहा था। लगाना तो मैं सीख गई थी, उसके लिए ना मेरा आईज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो बाद में मैंने उसको ठीक करके फिर मैं कैमरा के सामने आई हूँ। नेक्स्ट मैं अभी करने वाली हूँ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक भी कुछ प्रियादी की तरह ही शेड का है, और ये डार्लिंग एसावेला का, ये डार्लिंग एसावेला का नहीं है, ये आई एम स्टार का है, जो मुझे purple.com से गिफ्ट पे आया था ना, लास्ट मैंने हॉल शेयर किया था, तो वहाँ से ही है ये। और ये शेड देखो इतना ज़्यादा सुंदर है, और जल्दी से ड्राई भी हो जाते हैं, लिप्स को ड्राई भी नहीं करता है, क्रकी नहीं करता है, और शेड देखो वाटरप्रूफ भी है। मैं अभी ब्लश के लिए ये यू कैन बी पैलेट से जो ऑरेंज शेड है, ऑरेंज भी फॉक्सी कलर ही है, तो यही दे रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा शायद हो गया था, बट बाद में मैंने ना पाउडर ब्रश से सेट कर लिया था, रिमूव कर दिया था और बैलेंस हो गया था अच्छी तरह से। ब्लशर लगाने के बाद ना मेरा फेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट क्या करूँ, करना तो है ही ना। अभी मैं यही हाइलाइटर पैलेट से वेट एंड वाइल्ड का एक फैन ब्रश की मदद से कर रही हूँ हाइलाइटिंग टॉप ऑफ माई चिक बोन्स, ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड बोज एंड फोरहेड, टी जोन पे भी करना है। ओके, तो मैंने कर लिया है ये। अभी क्या करना है, सेटिंग स्प्रे, तो मैं सेट कर रही हूँ और थोड़ा सा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो फाइनली डन है। अभी मैं ईयर रिंग्स पहनने वाली हूँ, उतना भी राउंड नहीं है मेरे पास प्रियादी की तरह, बट मोतियों वाला ये राउंड रिंग था मेरे पास, जो कि यही मैं पहन रही हूँ और कुछ सिमिलरिटी रखने की कोशिश कर रही हूँ। ये ना मैं एथनिक ड्रेस के साथ ज़्यादातर पहनती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है ये वाला पहनना। अच्छा ये वाला भी अच्छा है, लोकल मार्केट से लिया था, ज़्यादा नहीं 80 rupees का है शायद। अब भी करने वाली हूँ हेयर, मुझे बहुत ज़्यादा पापर मिलने पड़े ये हेयर स्टाइल करने में। टॉप नॉट ना मुझसे होता नहीं है, टाई अप भी मुझसे नहीं होता है, क्योंकि बहुत ना खींचा खींचा सा लगता है सामने से। पता नहीं प्रियादी कैसे कर लेती है, देखो कितने ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली ऊपर आया मेरा हेयर। अभी मैं इसको टॉप नॉट करने वाली हूँ।
अच्छी तरह से देखो, फिर भी इधर उधर से कैसा हो रहा है, तो ऐसे ही रखूंगी। एक्चुअली मेरा हेयर छोटा है ना, देखो पीछे छोटे बड़े, मैं तो थक गई। प्रियादी का लॉन्ग हेयर है ना, तो उनपे ज़्यादा अच्छी तरह से जाता है ये, बट मुझ पे ना ये टाई अप वाला हेयर स्टाइल अच्छी तरह से जाता नहीं है, शायद खुला हुआ ही अच्छा लगता है, बाद में मैंने खोल भी दिया था। तो फाइनली ये हो गया। आपको ये वाला मेकअप लुक पसंद आया। अगर आप चाहते हैं ये करना तो आप जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय, टेक केयर।